हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर राजकुमार राव, जिनका रियल नाम है राजकुमार यादव, बॉलीवुड के यंग जनरेशन के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर में गिने जाते हैं। गुड़गांव में जन्मे राजकुमार इसी महीने अगस्त 31 को अपना 34वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आइए इस अवसर पर बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में। अगस्त 31 को रिलीज हो रही है डायरेक्टर अमर कौशिक की हॉरर कॉमेडी स्त्री, जिसमें राज कपूर के साथ दिखाई देंगे श्रद्धा कपूर और अपराक्षिती खुराना। 25 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म 1990 में कर्नाटक में प्रसिद्ध हुए नल्लेबा नाम की एक लोक कथा पर बेस्ड है, जिसके अनुसार एक चुड़ैल रातों को सड़कों पर निकलती है और लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाकर उनके संबंधियों की आवाज में बात करके धोखे से दरवाजे खुलवा लेती है और जिस किसी के दरवाजा खुला उसकी मृत्यु तय है। लोक कथा के अनुसार लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए स्मार्ट तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने अपने घर के बाहर दीवारों और दरवाजों पर लिख के टांग दिया नल्लेबा, जिसका कन्नड़ में अर्थ होता है कल आना। तो इस तरह हर दिन चुड़ैल आती और कल अपना पढ़कर वापस लौट जाती। सितंबर 21, 2018 को रिलीज होने वाली है नम्रता सिंह गुजराल की मूवी 5 वेडिंग, जिसमें राजकुमार नजर आएंगे नरगिस फाकरी, कैंडी क्लर्क, बो डायरक और सुरेंद्र विक्की के साथ। फिल्म में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट अमरीकी मैगजीन के आर्टिकल के लिए इंडिया वेडिंग में होने वाली ढेरों सेरेमनी को कवर करने के लिए भारत आती है। साथ ही फिल्म में बात की गई है ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के बारे में, जो भारतीय शादियों में नाच गाकर अपना पेट पालते हैं। 19 मिनट के रन टाइम वाली ये फिल्म मई 2018 में ऑलरेडी केन्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है और इसकी काफी प्रशंसा हुई है। डायरेक्टर शैली चोपड़ा धर की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसकी रिलीज डेट है फेब 1, 2019। इस फिल्म में राजकुमार राव के अलावा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे सोनम कपूर, अनिल कपूर, जूही चावला और मधुमालती कपूर। इसके अलावा इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है साउथ एक्ट्रेस। ये कहानी एक हिंदू लड़की की जो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और उस लड़की की जैसे दुनिया ही बिखर जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की नाजायज रिश्ते के बारे में। 1994 में आई अनिल कपूर की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के आरडी बर्मन द्वारा कंपोज किए गए आइकॉनिक ट्रैक का इस्तेमाल किया गया। फिर सुपर टैलेंटेड एक्टर राजकुमार राव को लीड रोल में कास्ट किया जाना और ऊपर से 1942 अ लव स्टोरी से ऑडियंस के दिलों पर लवर बॉय के रूप में छा जाने वाले अनिल कपूर की प्रेजेंस, कहा जा रहा है कि इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। अगली फिल्म है मेंटल है क्या, जो रिलीज होने जा रही है 22 फरवरी 2019 को। इस फिल्म में राजकुमार के अपोजिट दिखाई देंगी कंगना रनौत। ये जोड़ी आखिरी बार 2013 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन में साथ दिखी थी। गुजराती फिल्म डायरेक्टर निखिल मुशले की फिल्म मेड इन चाइना, इस फिल्म में राजकुमार के साथ नजर आएंगी अपकमिंग एक्ट्रेस मौनी रॉय और मंझे हुए कलाकार बोमन ईरानी और इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है 2019। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे बॉलीग्रैड स्टूडियोज़।